ओडिशा रेल हादसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 200 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का पीएमओ ऑफिस और रेल मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया और लोगों के मुआवजे की राशि का भी ऐलान कर दिया है। ओडिशा रेल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात भर से चल रहे बचाव और राहत कार्य में अब तक कई घायलों को कटक, भुवनेश्वर और बालासोर के अस्पतालों में पहुंचाया गया। वहीं ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने पुष्टि करते हुए कहा, हादसे में 237 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 लोग घायल हैं। यह हादसा बीते दिन शुक्रवार की शाम को हुआ, जब मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर हुई थी। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए पीएम और रेल मंत्रालय की ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया। ओडिशा में हुए इस भयावह ट्रेन हादसे में 237 लोगों की मौत हुई है। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों को जो मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, उसमें जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही कहा इस हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए, मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पीएमओ ने भी ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएमओ कार्यालय ने इस बाबत ट्वीट किया, ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। किसी भी ने सोचा कि इस तरह की बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। आप समझिए कि जब 2 ट्रेनों की टक्कर हुई तो अब तक खबर के अनुसार 237 लोगों के मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ कट गए, सिर कट गए और स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह था। रेस्क्यू की तस्वीरों आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये हादसा काफ़ी दर्दनाक था और हालिया वर्षों का ये सबसे दर्दनाक हादसा कह सकते हैं।